बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज 31 है और कल 1 फरवरी 2023। याद दहानी के लिए कि तमाम साथियों ने कल इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए पिंडी इस्लामाबाद से जितने भी हमारे साथी हैं कल वजारत ख़जाना के सामने हमें इकट्ठा होना है। मुतालबात बिल्कुल वही हैं जो 8 अक्टूबर को हमने एहतजाज किया था या नवंबर में किया था या 20 दिसंबर को। बिल्कुल 6 जनवरी से हमारी अपग्रेडेशन, बेशक उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजिंग्स की, जो 20 तारीख की रात को ड्राफ्ट हमसे शेयर किया गया था उसके अंदर, मगर अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, मगर उसके बरक्स पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो जून के अंदर थी, टिल नाउ उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर 100% इजाफा था। ख़ास तौर पे तनख्वाहों में तफरीक के जो शिकार मुलाजमीन थे, जिसके लिए ये पे एंड पेंशन कमीशन बनाया गया था, बड़ी क्लियर कट उसके अंदर इनकी सिफारिशात हैं कि 70% तक इजाफा, और अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो फिर इस अलाउंस को, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को डिफ्रीज किया जाए। उसके साथ साथ दरीना मुतालबा था तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से। इस हवाले से पीएम पैकेज के मुलाजमीन तो भर्ती हो चुके, आपने भी शिरकत करनी है, और तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन, आपको पता है कि अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब बहुत पॉजिटिवली जो है इस केस को प्ली कर रहे हैं, मगर वही बात है कि बीच में रुकावट ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो है डाली जा रही है। कल एक ग्रैंड मशावरती इजलास है जिसमें आपकी शिरकत को मद्देनज़र रखते हुए जो आगे का लाए अमल तय किया जाएगा। बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये टायर ही हैं, आप अगर शक में पड़े हों, क्योंकि हालत नहीं थी इस वक्त गाड़ी के टायर जो है चेंज करवाने के लिए इधर मौजूद हूँ। लाला, दुकान का क्या नाम है आपकी? इत्तेहाद टायर INT सेंटर G10 के अंदर ये शॉप मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे कोई भी सरकारी मुलाजिम आएंगे तो लाला उनको डिस्काउंट भी देंगे। यहाँ पे नए टायर नहीं डलवा रहा, यूज्ड सेकंड हैंड टायर डलवा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली सरकारी मुलाजिम होते हुए जो महंगाई यहाँ पे चल रही है, जो नए टायर बता रहे थे तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब हैं, और चाइना वाले जो 30-35 के, तो यूज़ में अच्छे टायर मिल रहे थे तो वो डलवा रहे हैं। तमाम साथी एक दफ़ा फिर से कल सुबह 11 बजे जो है इंशाल्लाह ताला वज़ारत ख़ज़ाना के सामने आपसे मुलाकात होगी। इस मैसेज को शेयर भी करना, आपको गाड़ी भी दिखाते हैं। जो भी सवाल जवाब है साथियों के, जिन्हें तहफ़ुज़ात हैं, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से वज़ारत ख़ज़ाना के सामने मुलाकात होगी, कंप्लीट उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ख्वा इनवैलिड पीएम पैकेज के जो डिसेबिलिटी वाले वैलिड या जो भी इसका नाम लेते हैं वो हों, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक या कंटिजेंट के साथी हों वो, अपग्रेडेशन के जो मुंतज़िर हैं वो साथी जिनको तहफ़ुज़ात हैं, या तनख्वाहों में तफरीक के शिकार साथी, कल अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। इंशाल्लाह ताला 11 से 12 बजे के दरमियान हम अपना ये मीटिंग करके आपको एतमाद में लेंगे, आगे का लाए अमल इंशाल्लाह ताला देंगे, मगर आपकी शिरकत को देखते हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मुट्ठी भर साथी जो हैं वहाँ पर आएँ और बाकी घरों में बैठ के जो है रिलीफ लें, ऐसा कतन नहीं होगा। आप आएंगे, आपकी तादाद को देखिदगी को देखते हुए आगे का लाए अमल दिया जाएगा।